नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इन राइट ट्रैंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है तो मतलब सी 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। सी इज जॉइंट टू एम, सी जो एम से जॉइंट है प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, सी जो एम तक मिला हुआ है वो डी तक बढ़ा दिया उसको मिलाने के लिए, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम सी एम के इक्वल है। अब इसमें हम चार पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट, फिर एंगल बी 90 डिग्री का, फिर डी बी सी ए सी बी के, और सी एम हाफ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमने जो गिवन में लिखो, जो जो दिया हुआ है गिवन में, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है। टू प्रूव, अब हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी एम डी, सेकेंड पार्ट एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, थर्ड पार्ट ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ए सी बी, एंड फोर्थ पार्ट सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सबसे पहले अब हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ए एम सी, ये देखो ट्रायंगल ए एम सी, हमने डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम सी एम ये वाली साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ठीक है, ए एम सी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये साइड है एम सी इक्वल टू डी एम, डी एम इक्वल टू एम सी या सी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, और ये जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसको लिख लो एंगल वन एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या गिवन लिख लेना, ये गिवन है, ठीक है, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और तीसरी साइड हमारे पास, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो बी एम इक्वल टू ए एम, बी एम इक्वल टू ए एम बिकॉज एम इज मिड पॉइंट। तो बाय साइड एंगल, साइड से प्रूव हो गया ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी एम डी के। और आगे इसका एक पार्ट हमें बस डी बी, डी बी इक्वल टू ए सी, ये हमें आगे यूज़ होगा, इसलिए मैं सी पी सी टी से ये पार्ट यहीं पर लिख लेता हूँ, बाय सी पी सी टी। अब हम फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एंगल डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, डी बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने फाइंड करनी, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का। अब ये देखो ये जो लाइन है इसको हम करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, वो जो लाइन दोनों को टच करती है वो कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो सब इसमें आ जाएगा एंगल डी बी सी प्लस ये की ये एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज डी सी बी सी इज ट्रांसवर्सल, लिख लो बिकॉज बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। सी हमें एंगल गिवन में दिया था 90 डिग्री, तो डी बी सी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो डी बी सी हो जाएगा प्लस का 90 उधर जगह हो गया माइनस का 90, तो डी बी सी हो गया हमारे पास 90। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, डी बी सी इज राइट ट्रायंगल। अब हमने प्रूव करना है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल
डी बी सी एंड ए सी बी, डी सी बी ये वाली साइड एंड ए सी बी ये वाली साइड हमने प्रूव करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले डी बी इक्वल टू ए सी, ये हमने यहाँ सी पी सी टी में कर दिया था, डी बी इक्वल टू ए सी, ये लिखेंगे प्रूव्ड अबव। सेकंड पार्ट, यहाँ बी एंगल 90 डिग्री का प्रूव किया है, यहाँ सी 90 डिग्री का। ठीक है, और एक बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें, बी सी बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा हमारे पास डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ए सी बी से। ये हमारा थर्ड पार्ट अब प्रूव हो गया। अब रह गया फोर्थ पार्ट, हमारे पास रह गया फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल टू ए बी, ये देखो सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी को हम लिख सकते हैं सी एम प्लस एम डी, और ए बी का ए बी हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें गिवन में क्या था, सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम और डी एम इक्वल था, सी एम इक्वल डी एम लिख लो या एम डी लिख लो सेम ही है, सी एम इक्वल टू डी एम, तो हम एम डी को भी सी एम लिख सकते हैं। सी एम सी एम क्या हो जाएगा, डबल ऑफ सी एम इक्वल टू ए बी, और सी एम हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, इसको फेयर कॉपी में कर लेना कंप्लीट।